नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि मेरे एकेडमी में अब मैं MBBSC 2020 प्री की तैयारी करवा रहा हूं, जिसमें एक वीडियो मैं मध्य प्रदेश के ऊपर डाल चुका हूं। इसके पहले अभी मेरा जो है वो मैंने डाला हुआ था आपका मिसलिनियस पार्ट से ओलंपिक्स, जिसमें से क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होती है, तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो अभी आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मध्य प्रदेश एक परिचय। ये जो चैप्टर है, मतलब ये जो पार्ट है वीडियो का, ये MPPSC के लिए SSC CGL हो, चाहे CPO का एग्जाम हो, MPSI का एग्जाम हो, कांस्टेबल का एग्जाम हो, पटवारी का एग्जाम हो, तो ये क्या है कि ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। CPL CGL के लिए देखो क्या है, CGL CPO के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट हो सकता है, मध्य प्रदेश का पूछ लें। बाकी MP से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है दोस्तों, ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सीरीज का नाम रखा है अभी नहीं तो कभी नहीं, मतलब MPPSC प्री अभी नहीं तो कभी नहीं, मतलब अभी नहीं निकाल पाए तो अब मतलब एक ही चांस है, निकालना ही है किसी भी हालत में। ठीक है, चलो अब बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय हम इसमें देखेंगे, 1947 से लेके 2020 तक का जो भाग है मध्य प्रदेश का, हम देखेंगे कि कैसे बना, है ना। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है चार हिंदी भाषी राज्यों में। ठीक है, अब ये चार हिंदी भाषी राज्य कौन कौन से हैं, देखो एक तरफ लिख लेना, पार्ट नोट्स बना रहे हो तो पार्ट, फिर नेम, फिर ठीक है राजधानी यहाँ पे आ जाएगी, और तुम्हारे राज्य प्रमुख आ जाएंगे। ये राज्य प्रमुख है ना, ज्यादा तुम बुक्स वुक्स में देखोगे तो तुम्हें ज्यादातर मिलेंगे नहीं, तुम्हारे भाई ने बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के अपने लिए नोट्स बनाए थे, वही नोट्स सारे तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं। देखो पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए था सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार हो गया हिंदी में, जिसकी राजधानी थी नागपुर और जिसके अंदर आती थी 17 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसके राज्य प्रमुख कौन थे, रविशंकर शुक्ल जी। ठीक है, रविशंकर शुक्ल जी कौन है, जो मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए, नहीं भी मालूम हुआ तो आगे चल के मैं बताऊंगा ही तुम्हें। दूसरा पार्ट होता है मध्य भारत का, मध्य भारत जिसकी राजधानी थी इंदौर और ग्वालियर, इसके अंदर आती थी 16 डिस्ट्रिक्ट्स, इंदौर 6 महीने राजधानी रहती थी और 6 महीने रहती थी ग्वालियर। इसके राज्य प्रमुख कौन थे, लीलाधर जोशी जी थे। तीसरा पार्ट था पार्ट सी, जिसका नाम था विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश की राजधानी थी रीवा, जिसके अंदर आते थे 8 डिस्ट्रिक्ट, इसके राज्य प्रमुख थे पंडित शंभुनाथ। चौथा था भोपाल स्टेट, भोपाल स्टेट की राजधानी रखी हुई थी भोपाल, इसके अंदर आते थे 2 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और इसके जो राज्य प्रमुख थे वो थे नवाब हमीदुल्ला। ठीक है सब, तो आगे चलते हैं अब हिंदी भाषा के उस पे, इसका हिंदी भाषा ही आधार पर चार राज्य बनाए थे मध्य प्रदेश का, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये कैसे हुआ, हिंदी भाषा ही क्यों, क्योंकि भाई देखो क्या होता है, एक आयोग बना था एस के धार आयोग। ठीक है, जो राष्ट्रपति जो उस टाइम पर थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा, ठीक है, उनको एक रिपोर्ट सौंपता है और वो उसको ये बताता है कि जो भारत में जो राज्य बनने वाले हैं या जो भी जो पार्ट आप कर रहे हैं वो आपको वहां पर, मतलब जो जो प्रोविंसेस रह रही थी उन प्रोविंशियल आधार पर नहीं, उनको भाषाई आधार पर बनाना चाहिए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा क्या करते हैं, एक JVP समिति बनाते हैं। JVP समिति जो बनाते हैं उसके रहते हैं 3 सदस्य, कौन कौन, पट्टाभी सीतारमैया रहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते हैं और तीसरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा खुद रहते हैं। ठीक है, वो ये पाते हैं कि ये जो हमारी जो मतलब एस के धर समिति थी, इसने जो बोला था कि भाषाई आधार पर राज्य बनाने चाहिए, उनकी रिपोर्ट, उनको लगता है कि हाँ ये सही इन्होंने बोला है। वो क्यों बोला है अब मैं आगे आपको बताता हूं। देखो आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्री रामलू पोट्टा रमैया, या फिर कहीं कहीं जगह पर रामलू श्री पोट्टा रमैया भी लिखा रहता है, दोनों सही है। ठीक है, ये अनशन पर बैठ जाते हैं क्योंकि प्रोविंशियल आधार पर भैया राज्य बनाने लगते हैं ये लोग, तो वो कहते हैं कि नहीं प्रोविंशियल आधार पर नहीं बनेंगे, ये भाषाई आधार पर ही बनेंगे। इस बात को लेकर जो रमैया जी रहते हैं ये अनशन पर बैठ जाते हैं, ये 58 दिन के अनशन पर बैठे रहते हैं और उसके बाद इनकी जाती मृत्यु। अब अगर कुछ भी होता है ना ऐसा और किसी की मृत्यु हो जाती गलती से, तो वहां से ना बहुत बड़े बड़े आंदोलन शुरू हो जाते हैं। अब आंदोलन जब शुरू हुआ तो इसका क्या हुआ, आंदोलन जब शुरू हो गया तो बहुत मतलब बड़ा आंदोलन था वो, तो पंडित जो वहां के तात्कालिक प्रधानमंत्री जो हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे उस टाइम पर, तो नेहरू जी ने भाषा आधार पर पहला राष्ट्र गठित कर दिया 1 अक्टूबर 1953, कौन सा राज्य, आंध्र प्रदेश। तो भाषाई आधार पर पहला राज्य गठित जो हुआ है वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। कब हुआ, 1 अक्टूबर 1953। ठीक है, अब चूंकि पहला राज्य भाषाई आधार पर गठित की हुआ था तो इसलिए सारे राज्यों को भाषाई आधार पर ही गठित करना था, ये एक मजबूरी बन गई थी। तो क्या होता है 1953 में
राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? फजल अली साहब होते हैं, और दो सदस्य होते हैं उनके साथ में, हृदयनाथ कुंजरू और एम पणिकर। तो तीन लोगों की ये समिति होती है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? आपके फजल अली साहब होते हैं। तो वो रिपोर्ट देते हैं 1955 में, मतलब समिति बनती 1953 में और वो रिपोर्ट देती है 1955 में, सौंपती है। तो क्या होता है, भारत में 14 जो इनकी ये जो रिपोर्ट रहती है ना, तो ये इस रिपोर्ट के बेसिस पे उन्होंने वो बताते हैं कि भैया भारत में 14 राज्य और 6 यूटी लिखा है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बनाए जा सकते हैं। अब क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। तो 1956 की बात है ये, 1956 में क्या होता है साहब, 1956 में सातवां विधान संशोधन आ जाता है, ठीक है, सातवां संविधान संशोधन आता है 1956 में, जिसमें कहा गया कि पार्ट ABC को अब समाप्त कर दिया जाए, है ना, और दो श्रेणियां बनाई जाए, एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ मध्य प्रदेश में ही ABC करके था, ये जो ABC करके जो पार्ट थे ना, ये पार्ट और भी राज्यों में रहे होंगे। तभी यहां पर क्या हुआ, सातवें संविधान संशोधन में 1956 में कहा गया कि ABC हटाओ और दो श्रेणियां रखो, सिर्फ एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो इससे क्या था, उनको बैलेंस करने में भी आसानी हो जाती, ठीक है। अब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का भाषाई आधार पर गठन हो जाता है, इसी बात को लेके, ठीक है। तो भैया वीडियो यहां तक अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूं कि MPPSC 2020 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, प्री की, जो लोग मेरे साथ जुड़ के तैयारी कर रहे हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं सीरीज के अंदर, उन सबके लिए मैं सारे का सारा मटेरियल जो है ना MPPSC 2020 के प्री का, वो फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्तों। सारा का सारा मटेरियल फ्री में है, आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पर क्लास लूंगा और मैं आपको मटेरियल फ्री में भी दे रहा हूं। बाकी क्या क्या बुक्स लग सकती हैं, अगर आपको मटेरियल खरीदना है क्या क्या बुक्स लग सकती हैं, कैसे आप 100% गारंटी के साथ मध्य प्रदेश पे MPPSC का जो एग्जाम है 2020 का प्री, वो कैसे क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको 100% स्ट्रेटेजी देखनी है कि कैसे आप क्लियर कर पाएंगे, तो आई बटन पे मैं वो वीडियो अपनी टैग कर रहा हूं, वो उस वीडियो पे जाकर देख लेना। लेकिन इस वीडियो को पहले पूरा देख लो, उसके बाद जाकर देखना। तुम लोग क्या एकदम से उत्साहित हो जाते हो इतने ज्यादा, और तुरंत आई बटन पे जाके खटाक से वीडियो लगा लो, ऐसा मत करना मेरे भाई, प्लीज मत करना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, पूरा मटेरियल फ्री में दे रहा हूं। यहां तक का मैंने बहुत अच्छी तरीके से, मैं समझता हूं मैंने आप लोगों को समझाया है, बात अच्छी लग रही है, तो लाइक करो वीडियो को और अभी कर दो। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम लोग बाद में लाइक करना भूल जाते हो यार। चलो अब आगे चलते हैं। 1956 था, 56 में विदर्भ भाग, जिसमें मुख्यतः मराठी क्षेत्र था, वह मराठी भाषी होने के कारण परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र में मिला दिए जाते हैं, क्योंकि भाई महाराष्ट्र मतलब क्या होता है, भाषाई आधार पर गठन हो, वो तो होता है ना, तो उनको महाराष्ट्र में मिला दिया जाता है। ये पार्ट एक ही बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से वो जो जिले थे जो महाराष्ट्र में मिला कर दिए गए, तो भाई 8 थे, अकोला, अमरावती, चांदा, भंडारा, नागपुर, यवतमाला, वर्धा और बुलढाणा, ठीक है। नाम याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते तो भी तुम्हें प्री के हिसाब से इतना कुछ वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी मंदसौर जिले की भानपुर तहसील का सुनेल टप्पा गांव राजस्थान को दिया, ठीक है। क्यों दिया भैया, वहां पर वो राजस्थानी कुछ वैसा उनका रहा होगा तो उधर पर शिफ्ट कर दिया। कोटा जिले की सिरोंज तहसील को विदिशा में मिला दिया गया, ठीक है। इसी प्रकार 1 नवंबर 1956 में, ठीक है, कितने जिले मध्य प्रदेश में थे, तो मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। यहां पर ऐसा क्वेश्चन बनता है, मैंने स्टार इसलिए बनाया है, ऐसा क्वेश्चन बनता है और लोग 43 की जगह 45 लगा देते हैं वहां पे। तो 1 नवंबर 1956 में कुल जिलों की संख्या जो थी मध्य प्रदेश में वो 43 थी, इस बात को ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं। देखो ये मैंने मैप तुम लोगों के लिए लगा दिया था, सॉरी आगे पीछे हो गया थोड़ा सा, कि कैसे पार्ट्स में डिवाइडेड था। ये देखो छत्तीसगढ़ का भाग भी इसमें लगा हुआ है, महाराष्ट्र का भाग भी इसमें लगा हुआ है। ये देखो यहां लिखा हुआ है स्वतंत्रता के पूर्व मध्य प्रदेश का मैप है, ये स्वतंत्रता के पूर्व, ये देखो पार्ट बी है ना, पार्ट ए, ये पार्ट सी, ये ए है ना। तो ये सारा का सारा है ना, मैं अपने स्टडी ग्रुप में, जो मेरा ग्रुप है ना टेलीग्राम वाला, उसमें मैं ये PDF डाल दूंगा, तो वहां से ये आप लोग ले लेना। नहीं तो एक काम करो, वहां से भी लेना हो भाई, वैसे ज्वाइन कर लोगे आप लोग तो बहुत अच्छा है, मुझे भी खुशी मिलेगी, मेंबर बढ़ेंगे। तो नहीं अगर ज्वाइन करना है भाई, तो सीधा सा यहां से लेके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो कितना परफेक्ट साइट किया, स्क्रीनशॉट ले लो, तुम लोग को काफी हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। अब चलते हैं भाई साहब आगे। अब हम बात करेंगे जिलों की स्थापना। जिलों की स्थापना यहां तक का आपने सफर देख लिया भाई, 43 जिले थे, तो जिलों की स्थापना 43 थी। 1956 की बात हो रही है मध्य प्रदेश के अंदर। अब 26 नवंबर 1972 को भाई दो जिले मिला दिए जाते हैं, वो कौन कौन से जिले होते हैं, भोपाल
और आपका राजनंदगांव भोपाल सीहोर से अलग करके मिलाया जाता है। इसके पहले सीहोर की एक तहसील रहता है, लेकिन भोपाल को अलग करके मिला दिया जाता है 26 नवंबर 1972 को। तो 26 नवंबर 1972 को दो जिले मिलने के बाद संख्या हो जाती है 45। चलिए आगे चलते हैं। जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना होती भाई 1983 में। वीपी दुबे जी जो रहते हैं इसके अध्यक्ष रहते हैं, तो वीपी दुबे जी अध्यक्ष रहते हैं, 45 संख्या रहती है, तो ये 10 नए जिले और बना देते हैं। तो भैया 10 नए जिले पूरे याद करने की तुम लोगों को जरूरत नहीं है, टेंशन बिल्कुल मत लो। बुक्स जो लोगे ना ऑथेंटिक, उसमें पूरे 10 के 10 जिले रहेंगे, तुम्हारा सर घूमेगा। हमें 10 जिलों से मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें से 6 जो जिले हैं वो छत्तीसगढ़ में जा चुके हैं, तो तुमसे उन 6 जिलों के बारे में तो पूछेंगे नहीं। पूछेंगे तो भाई 4 जिलों के बारे में पूछेंगे जो अभी भी मध्य प्रदेश के अंदर है। ये देखो मैं तो उनको ऐसे याद करता हूं, BSDK भाग भाग डी के बोस डी के बोस डी के भाग BSDK के बोस डी के, ठीक है। तो अब आ तो तुम्हारे दिमाग में कुछ और बात रही होगी, और मैं चाहता हूं कि वो बात तुम्हारे दिमाग में आए BSDK के सुन के, क्योंकि मुझे तुम्हें करवाना है याद इसी वीडियो में यहीं के यहीं, ताकि तुम्हें मजा भी आए। तो बी से बड़वानी, एस से श्योपुर, डी से डिंडोरी, कहाँ से कटनी, भैया के से कटनी। तो बड़वानी कहाँ से अलग हुआ, खरगोन से अलग हुआ। श्योपुर कहाँ से अलग हुआ, मुरैना से अलग हुआ था। डिंडोरी कहाँ से अलग हुआ था, मंडला से अलग हुआ था। कटनी कहाँ से अलग हुआ था, जबलपुर से अलग हुआ था, ठीक है। तो भैया 25 मई 1998 में जिलों की संख्या 45 से हो गई थी 55, BSDK के याद रखना, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं दोस्तों। देखो फ्री नोट्स, ये देखो यहां पर मैंने फिर डाला हुआ है यार, इसको ध्यान दो यार जरा। फ्री नोट्स हैं, लिंक में जाकर ग्रुप ज्वाइन कर लेना वीडियो पूरा देखने के बाद, वीडियो पूरा देखने के बाद ही करना यार भाई, लाइक और सब्सक्राइब कर दो, फ्री में ले लो यार। देखो भाई देखो मैं नहीं चाहता यार, देखो मुझे मालूम है बहुत सारे जो सरकारी नौकरियों के ज्यादातर एग्जाम्स है ना, वो हमारे किसान भाइयों की फैमिली हो गई या मध्यम वर्गीय लोग हो गए। बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं यार कि यार जिनके पास मतलब फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते यार वो लोग के बुक्स अफोर्ड कर सके। और मैं भी यार देखो तुम लोगों का भाई हूँ, मैं भी यार तैयारी कर रहा हूँ, एस्पायरेंट ही हूँ तुम लोगों की तरह, तो मैं ये सारी चीज़ें जानता हूँ। तो मैं नहीं जानता चाहता यार कि किसी की बातों में आके कहीं लुटपिट जाओ तुम लोग। अच्छी अकेडमी के नोट्स तुम्हें प्री के नोट्स मैं फ्री में दे रहा हूँ, ले लो, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी है यार भाई, ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं, बात करते हैं 30 जून 1998 की। समिति बदल जाती है यहाँ पर, ठीक है। समिति आती है सीधे समिति जो बोलती है कि 6 नए जिले और बनाते हैं। तो 6 नए जिले जब 55 में 6 मिलते हैं तो बनते हैं 61, तो जिलों की संख्या कितनी हो गई 61। लेकिन तुम्हें पूरे 6 याद नहीं करने, तुम्हें याद करने सिर्फ 3, क्योंकि 3 जा चुके हैं छत्तीसगढ़ में। तो वो 3 जिले थे हरदा, उमरिया और नीमच। हरदा अलग हुआ होशंगाबाद से, उमरिया अलग हुआ शहडोल से, नीमच अलग हुआ तुम्हारा मंदसौर से। तो 30 जून 1998 जिलों की संख्या कितनी हो गई भाई साहब, हो गई थी 61, ठीक है। अब होता है 1 नवंबर, आती है 1 नवंबर 2000। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के विभाजन, छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश से विभाजन हो जाता है, और इसी के साथ भारत का 26वां जिला बन जाता, 26वां राज्य बन जाता है, ठीक है। कौन सा राज्य बनता है 26वां, 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य भारत का कौन सा है, तो भैया छागा, मतलब छत्तीसगढ़, ठीक है। 36, तो 36 से 36 नहीं 26 करना, 26वां राज्य कौन सा बना, छत्तीसगढ़ बना। तो जब आपका छत्तीसगढ़ राज्य बनता है ना, उस समय 2000 में दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, ठीक है। तो 61 में से 16 जिले जो होते हैं ना, 61 जिले हो गए थे, तो 61 का कर लो तुम 16, पलट दो, 36 का 26 भी तो किया ना हमने, तो उसी तरह 61 का 16 कर दो। तो 16 जिले कहां चले गए आपके, 16 जिले चले गए आपके छत्तीसगढ़ में। अब जिलों की संख्या कितनी बची, अब जिलों की संख्या बची आपकी 45। तो भाई अब क्या होता है, 15 अगस्त 2003, बहुत जगह पर 16 अगस्त 2003 लिखा हुआ है, उन लोगों को मैं बता दूं कि भैया गूगल सर्च करोगे तो आपको मिलेगा 15 अगस्त 2003 जो कि सही है, ठीक है। 15 अगस्त 2003 तीन से याद रखना, जिले बने नए 3, कौन कौन से, अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर। अब जिले उतने ही रहेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ अलग हो चुका है, ठीक है। अशोकनगर बना था गुना से अलग होकर, अनूपपुर आपका बना शेड्यूल से अलग होकर, और बुरहानपुर आपका बना खंडवा से अलग होकर। तो जिले थे पहले 35, और फिर 3 बनने के बाद कितने हुए, 48 हो गए थे जिले आपके, ठीक है। फिर बात करते हैं हम 2008 की, तो 2008 में दो डेट करनी पड़ेंगी आपको याद, 17 मई 2008, ठीक है, अलीराजपुर बना, अलीराजपुर किससे, झाबुआ से अलग होकर बना। फिर 24 मई 2008 को बना सिंगरौली, जो कि बना आपका सीधी से अलग होकर। सिंगरौली क्या है, हमारी ऊर्जा की राजधानी है, हमारी कोयला राजधानी है, यहाँ बेड़न नाम की जगह है। पहला वीडियो मैंने जो इसका बनाया है मध्य प्रदेश का, जिसमें मैंने ओवरव्यू दिया है, वो भी मैं आई बटन पर टैग कर देता हूँ, जाके देख लेना, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, क्वेश्चन यहाँ भी ऐसे ही बनेंगे, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स जो छूट जाते हैं ना दोस्तों, जो लोग नहीं बता पाते हैं, वो वहाँ उस वीडियो में, एक एक पॉइंट
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट, ठीक है। कौन सी राजधानी क्या है, जैसे संगीत राजधानी है आपकी मैयर, जैसे आपकी वित्तीय राजधानी है इंदौर, जैसे आपकी खेल राजधानी है इंदौर, भोपाल की मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग राजधानी, आपकी पर्यटन राजधानी है जबलपुर, आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है आपकी पचमढ़ी, ठीक है, मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन कौन सा है पचमढ़ी। तो ये छोटी छोटी सी फैक्ट्स, हो सकता है बहुत सारी आप लोगों को ये बातें ना मालूम हो, ये उस वीडियो में है, आई बटन पर वीडियो डाली हुई है, जाके देख लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं 16 अगस्त 2013 की। तो 16 अगस्त 2000, अब देखो वहां 48 बन गए थे, दो जले हमने बनाए, तो दो जले बनने के बाद कितना हो गया भैया, 50 हो गए थे। तो 16 अगस्त 2013 को एक जिला बनाया हमने, ठीक है, एक जिला बनाया, और वो जिला था आपका आगर मालवा। किससे अलग हुआ था, शाहजहांपुर से वो अलग हुआ था, ठीक है। फिर 1 अक्टूबर 2018 को हम आ जाते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे अभी हमारा नवीनतम जो जिला है बावनवा, वो हमने बनाया निवाड़ी, निवाड़ी 53वां जिला, नागदा अभी, ठीक है, अभी प्रस्तावित है, बना नहीं है, तो अभी भैया जिलों की संख्या 52 ही है, 53 मत कर देना वहां जाके। निवाड़ी बना किससे अलग करके, टीकमगढ़ से अलग करके। अब निवाड़ी नया बना है तो ये याद कर लो, तहसील पूछ सकते हैं कितनी है, तो तहसील की संख्या है 3, कौन कौन सी, एक निवाड़ी खुद, एक पृथ्वीपुर, एक ओरछा, 3 भैया तहसील हो गई। वीडियो यहां तक का आपको अच्छा लगा हो मेरे दोस्तों, तो प्लीज लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, भाई के लिए इतना कर दो प्लीज, अभी जाओ, अभी जाओ, अभी जाके लाइक कर दो, प्लीज लाइक कर दो। तुम लोग लाइक करना भूल जाते हो, देखो लाइक करने से होता क्या है, लाइक एक तो फ्री है, तुम लोगों का तो कोई पैसा लगना नहीं है, भाई के वीडियो को लाइक करोगे यार तो उससे क्या होता है कि भैया रीच बढ़ जाती है वीडियो की, तो वीडियो ज्यादा लोगों को दिखाता है, तो ज्यादा लोगों को दिखाएगा तो व्यूज बढ़ेंगे, तुम्हारे भाई का चैनल ग्रो करेगा यार। देखो सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं तुम लोगों को, वीडियो चैनल ग्रो करेगा, मेरा चैनल ग्रो करेगा तो भाई अच्छा होगा, और लोगों की हेल्प हो जाएगी इससे, शेयर कर दिया करो वीडियो को ताकि भाई और लोग वीडियो देख सकें। भाई बहुत से लोग, मैंने जैसा कि बताया ना यार, उनके पास पैसा नहीं है, भाई बड़ी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यार तुम्हारे भाई का वीडियो ही देख सकते हैं। अब यहां तक की जो मैंने कहानी बताई ना, अब मैं तुम लोगों को दे रहा हूं होमवर्क, ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट बहुत तुम्हें करना जरूरी है, कसम है तुम लोगों को। पहला, जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, इसी वीडियो में पढ़ाया हुआ है, मुझे कमेंट चाहिए, मतलब चाहिए। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, इसी वीडियो में पढ़ाया हुआ है, कमेंट चाहिए, मतलब चाहिए। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जिसका विभाजन 2 बार हुआ है, वीडियो में ही बताया है, इसी वीडियो के अंदर कमेंट करना, होमवर्क है तुम लोगों का, वीडियो देखो कमेंट जरूर करना, ठीक है। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट जरूर करना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं यार, मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोल रहा हूं, तुम लोगों के लिए बोल रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। दिशा अकेडमी जो है आपके भाई की, वो टेलीग्राम पर भी है, ठीक है। टेलीग्राम पर मेरे 2 ग्रुप हैं, एक तो ये पीएससी प्री 2020 वाला ग्रुप है, वो भी ज्वाइन करो फ्री मटेरियल के लिए, और एक पीएससी का एक और ग्रुप है, तो वो भी ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम पे भी भाई का पेज है दिशा एकेडमी का, प्लीज उसको भी आप लोग सब्सक्राइब, उसको भी जाके फॉलो कर लो, ठीक है। भाई का पेज फेसबुक पे भी है, तो भाई सबकी लिंक जो है ना, आपकी सारी की सारी जो लिंक्स है, क्या हो रहा है यार, सारी की सारी लिंक्स मैंने यहां पर डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में से जाके देख लेना भाइयों, प्लीज सपोर्ट कीजिए। इसी के साथ मैं राहुल शर्मा विदा लेता हूं आप लोगों से, जय हिंद जय भारत।